हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है मतलब बच्चों को यहाँ पर हम गुरुकुल में शिक्षा दे रहे हैं, इसके लिए हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। वैसे तो यहाँ पर प्रॉब्लम का सामना इसलिए करना पड़ता है कि इसके लिए मैं यही कह रहा हूँ कि कॉपी पेन पेंसिल के लिए कोई भी ऐसा फाउंडेशन नहीं है जो हमें अफोर्ड करता हो कॉपी पेन पेंसिल को लेकर। थोड़ी बहुत जो भी फंडिंग आती है उसके थ्रू हम गुरुकुल का थोड़ा बहुत मतलब ध्यान रख पाते हैं, बाकी हम खुद मजदूर आदमी हैं, मजदूरी पे जाते हैं, बाकी जो टाइम बचता है उसमें बच्चों को पढ़ाते हैं। हेलो, जय श्री कृष्णा, नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों क्या हाल है, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मैं हूं आपके साथ पाकिस्तानी हिंदू नारायण कोहली। दोस्तों आज मैं आपको पाकिस्तान में जो गुरुकुल है शिव कृपा गुरुकुल वो आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे जाऊंगा, व्लॉग बनाऊंगा। और दोस्तों वहाँ पे अमरचंद भाई है जो बच्चों को धर्म की शिक्षा देते हैं, वो आपको मैं वीडियो बना के दिखाऊंगा, व्लॉग में दिखाऊंगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिए। दोस्तों ये मेरा कमरा, इसका काम चल रहा है, आप देख सकते हैं कच्चा मिट्टी का। कल हम बांस लेके आए हैं, ये बांस पड़े देख सकते हैं, अभी छत का काम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों हमारी बाइक रेडी है, अब हम जाएंगे अमरचंद भाई के गांव, वहां पे बच्चों को धर्म की शिक्षा देते हैं। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अमरचंद भाई का जो शिव कृपा गुरुकुल है वहां पे, ये देख सकते हैं एंट्री है, यहां से जाते हैं हम। गाइस ये शिव कृपा गुरुकुल जो अमरचंद भाई बच्चों को धर्म की शिक्षा देते हैं। राम राम भाई। राम राम, क्या रे भाई हाल, ठीक है आप सुनाओ, ठीक हो? मैं ठीक हूँ नारायण भाई, कैसे हो आप? ठीक ठीक, सारा सफर ठीक रहा हमारा। और ये बच्चे हैं, इनको धर्म की शिक्षा देते हैं अमरचंद भाई। हाँ, धर्म की शिक्षा भी देते हैं, साथ में कंप्यूटर, मैथमेटिक, इंग्लिश और सिंधी और हिंदी के बारे में भी, हिंदी भी पढ़ाते हैं बच्चों को यहाँ पर। हम तो अभी स्टार्ट किया है हिंदी, हाल ही में हमने स्टार्ट किया है, और काफ़ी टाइम से शिव कृपा गुरुकुल नाम से हम गुरुकुल चला रहे हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं कि बच्चों को हमने धर्म से जोड़ने की एक कोशिश की है, जिसमें हमने बच्चों को सिखाया कि भाई आप अपने धर्म को फॉलो करो, और गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, बहुत सारे मंत्र आते हैं बच्चों को संस्कृत के अंतर्गत, जो है ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर शिव कृपा गुरुकुल में। वैसे तो इसके लिए कोई भी इदारा या फिर कोई भी ऐसा फाउंडेशन वगैरह इसकी सपोर्ट नहीं है, क्योंकि ये एक धार्मिक सिस्टम है और धार्मिक गुरुकुल है शिव कृपा गुरुकुल। तो इसमें कोई जो है फाउंडेशन एंट्री करेगा भी नहीं, क्योंकि फाउंडेशन को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि किसी को धर्म के बारे में कोई जानकारी है कि नहीं है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को सब्जेक्ट के अंदर धर्म के बारे में कुछ भी सीखने को नहीं मिलता है, जिसके लिए हमने एक कोशिश शुरू की शिव कृपा गुरुकुल खोलकर। और ऐसे ही और भी गुरुकुल्स खोलना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा नीड है हेल्प की, परंतु कहीं से कोई हेल्प जो है इतनी अवेलेबल नहीं होती जिससे हम इन बच्चों को अच्छी फैसिलिटी दे सकें। बच्चे नीचे बैठते हैं, पेड़ के नीचे पढ़ते हैं, आप देख रहे हैं। तो ये चीज़ है कि यहाँ पर बच्चों को ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, बाकी आपको बच्चों से मिलवाते हैं, बच्चों से हम पूछते हैं मंत्र वगैरह, और आप देखेंगे सब बच्चों को करीब करीब संस्कृत के अंदर मंत्र। अच्छा, आप कितने टाइम से पढ़ा रहे हैं इसको? करीब करीब जो है ना, मुझे डेढ़ साल तो पक्का हो गया है हमें बच्चों को पढ़ाते हुए। तो इसमें ये कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, क्रिटिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ती हैं, मतलब क्योंकि कोई फंडिंग वगैरह नहीं है, और हम जो है अपने काम से फारिग होकर आते हैं, बाद में बच्चों को पढ़ाते हैं। आपको शौक है पढ़ाने का या? हाँ बिल्कुल, धर्म के बारे में पढ़ाने का शौक है। कितने टाइम से? तकरीबन मैं तो बचपन से वैसे इन चीज़ों पे रहा, धर्म के बारे में कि भाई बच्चों को पढ़ाना चाहिए वगैरह वगैरह। तो मैंने बहुत, दूसरे बच्चे तो बहुत बड़े हो गए जिनको पढ़ाया, बाकी ये छोटे हैं अभी स्टार्ट किया इनको पढ़ाना। अमरचंद भाई आप पूछ सकते हैं। जी जी, तो चमन खड़े हो जाओ बेटा। चमन आप जो है ना भगवान श्री राम की स्तुति बताओ, श्री राम का मंत्र जो है ना वो बताओ। फिर राम मंत्र है। ओम श्री राम, ओम रामाय, राम भद्राय, रामचंद्राय, वेद से रघुनाथाय, नाथाय, सीताय, पते नमः। वेरी गुड, गायत्री मंत्र बताओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। वेरी गुड,
मुकेश आप खड़े हो जाओ। मुकेश आप जो है महामृत्युंजय मंत्र बताओ। ओम त्रिंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनाय उर्मारकमिय वंदनाय मित्रमुखिय भवतः। भगवान विष्णु की स्तुति। ओम शांताकारं भुजनशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसक्षं मेघवर्णं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगीवर्ध्यानं गम्यं वंदे विष्णुं भवभिहारं सर्वलोकैकनाथं। आप खड़े हो जाओ। किंचन किंचन आप मंत्र बताओ जो आपको अच्छे लगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृद्वार विंदे भवन भवानी सहितम नमामि। ओम श्री गणेश नमः। कर्तुंड वाकाय सूर्यकोटि संपूर्ण निर्विघ्नं कुर्मे देवो सर्वकाश्य सर्वदा गणेश नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वेरी गुड बेटा आप खड़े हो जाओ। गोविंद गोविंद आप रामायण की पंक्तियां बताओ। रामायण करो प्रभु दुख हमारे दशरथ के घर जन्म राम पतित पावन सीताराम विश्वामित्र मुनिवराए दशरथ भूप से वचन सुनाए संग में भेजे लक्ष्मण राम पतित पावन सीताराम। आप खड़े हो जाओ। युवराज गायत्री मंत्र बताओ बेटा। ॐ पूर्भवस्य शस्य वितर्वरेयम् अर्को देवस्यतीमहि यो यो न पश्यति। शाबाश विजय साहब खड़े हो जाओ। हरे कृष्णा मंत्र बताओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम। राहुल आप पंथियां बताओ रामायण की सुरीली आवाज में जोर से। भीड़ पड़ी जब भक्त पुकारे दूर करो प्रभु दुख हमारे दशरथ के घर जन्म राम पतित पावन सीताराम विश्वामित्र मुनिवर आए दशरथ भूप से वचन सुनाए सन में भेजे लक्ष्मण राम पतित पावन सीताराम वन में जाए ताल कमारी चरण छुआ एलिया तारी ऋषियों के दुखड़ते राम पतित पावन सीताराम वन ओ जनकपुरी रघुनंदन आए नगर निवासी दर्शन पाए सीता के वर पाए राम पतित पावन सीताराम। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम भूर्भुवस्वः शस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्रिंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् वंदनाय मित्युर्मुक्षीयमृता। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामार्थिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो आज मैं आपको बताऊंगा प्रभु श्री राम का छोटा सा ध्यान मंत्र जो कि मंत्र पढ़ने से आपका मन एकदम शांत रहेगा। लोकाधिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्य। तो ये मंत्र पढ़ाई से पहले पढ़ने वाला मंत्र जो कि माता सरस्वती का है। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपेणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो ये है मतलब बच्चों को यहाँ पर हम गुरुकुल में शिक्षा दे रहे हैं इसके लिए हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। वैसे तो यहाँ पर प्रॉब्लम का सामना इसलिए करना पड़ता है कि इसके लिए मैं यही कह रहा हूँ कि कॉपी पेन पेंसिल के लिए
कोई भी ऐसा फाउंडेशन नहीं है जो हमें अफोर्ड करता हो कॉपी पेन पेंसिल को लेकर। थोड़ी बहुत जो भी फंडिंग आती है उसके थ्रू हम गुरुकुल का थोड़ा बहुत मतलब ध्यान रख पाते हैं, बाकी हम खुद मजदूर आदमी हैं, मजदूरी पे जाते हैं, बाकी जो टाइम बचता है उसमें बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बच्चों को शूज़ और जैकेट जो सर्दियों के अंदर, और दूसरा अभी कॉपी पेन पेंसिल सब कुछ हम अपनी तरफ से अवेलेबल कराते हैं। इसमें बच्चों से कोई भी फीस वगैरह नहीं लेते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं। और टॉपिक के अंदर हम जो है बच्चों को जनरल नॉलेज को लेकर, कंप्यूटर साइंस और साइंस की बाकी जो भी नॉलेज है उसको लेकर भी हम पढ़ाते हैं, और मैथमेटिक, इंग्लिश, सिंधी, हिंदी, उर्दू ये भी चीज़ें पढ़ाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें आप सबकी सपोर्ट की हमेशा से नीड रहती है। हम हमेशा से कहते हैं कि देखो, जैसे हमारे मुस्लिम भाई हैं उनके लिए एक मदरसे के अंदर फंडिंग वाला सिस्टम होता है, क्रिश्चियनिटी के अंदर भी यही चीज़ होती है कि फंडिंग वाला सिस्टम होता है। लेकिन दुर्भाग्य से हम हिंदुओं का जो मंदिर हैं बहुत बड़े बड़े, वो किसी की अपनी पर्सनल एक निजी प्रॉपर्टी है, वहाँ से हमें कोई हेल्प नहीं मिलती है। मैंने बहुत दफ़ा कहीं से कई मंदिरों से हेल्प मांगी, कई मंदिर के बहुत बड़े बड़े जो पीठाधीश हैं उनसे भी हेल्प मांगी, लेकिन कहीं से कोई हेल्प अवेलेबल नहीं हुई शिव कृपा गुरुकुल के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भाई भी हेल्प करना चाहते हैं प्लीज़ शिव कृपा गुरुकुल को अपनी सहायता ज़रूर प्रदान करें, ताकि हम और भी ऐसे गुरुकुल ओपन कर सकें और बच्चों को धर्म से जोड़ सकें। नारायण भाई का मैं बहुत धन्यवाद शुक्रिया करता हूँ कि वो आए और उन्होंने शिव कृपा गुरुकुल को विज़िट किया और यहाँ का एक व्लॉग बनाया। आप इनको भी सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारे जो हिंदू ब्रदर्स जो यूट्यूबर्स हैं वो भी आगे बढ़ें और वो अपने करियर को आगे अच्छे से सपोर्ट कर पाएँ यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए, जो भी अभी ट्रेंड में है। यूट्यूब से अर्निंग अच्छी खासी होती है, तो मतलब ये है कि जब आप सपोर्ट करेंगे तभी एक हिंदू लड़का आगे बढ़ पाएगा। जैसे हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं है, वैसे हमको भी सपोर्ट की ज़रूरत है, और जो भी यूट्यूबर्स हैं उनको भी आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इन सबको सपोर्ट करें, मैं तो यही कहूँगा। बाकी शिव कृपा गुरुकुल के साथ जुड़े रहें, हमारे भी ट्विटर हैंडल्स वगैरह हैं, उन पर शिव कृपा गुरुकुल जैसे ही आप लिखेंगे तो हमारे ट्विटर हैंडल आ जाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद भाई, थैंक यू सो मच। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मंदिर है शिव कृपा गुरुकुल जहाँ पे है, वहाँ पर ये जो है एक मंदिर है जिसके अंदर माता राधा और भगवान कृष्ण, श्री राम जी, बाबा रामदेव जी महाराज, भगवान शिव, माता लक्ष्मी, इन सब के चित्र लगे हुए हैं। तो एक नॉर्मल तरीके से ये मंदिर है, और हम यहाँ पर ये बच्चों को इस तरीके से यहाँ पर शिक्षा देते हैं। बच्चे नीचे बैठते हैं बिल्कुल चटाई के ऊपर, इनके ऊपर इतना मतलब नहीं है, मतलब इनको इतना मतलब फैसिलिटी मौजूद नहीं है, बस सब कॉपी लेकर आते हैं और ये सब। तो अभी ये एक नॉर्मल तरीके से हमारा ये गांव है, और इस गांव के अंदर ये छोटा सा एक गुरुकुल हम चला रहे हैं अपनी खुद की मतलब सहायता से। बाकी ये कंप्यूटर के बारे में आज पढ़ा रहे थे बच्चों को, तो ये इस तरीके से यहाँ पर अभी बच्चे सबके सब बैठे हुए हैं आप सबके सामने। तो इनका ये कि मतलब ये सब कुछ बहुत ज़्यादा, आज नारायण भाई आए हमारे पास विज़िट के लिए, और इनको भी सपोर्ट करें, इनके यूट्यूब चैनल को भी सपोर्ट करें। तो इस तरीके से यहाँ पर शिव कृपा गुरुकुल में बच्चे इस तरीके से पढ़ते हैं। पाकिस्तान के अंदर गुरुकुल्स वैसे तो ना के बराबर हैं, लेकिन ये फर्स्ट गुरुकुल था जो हमने 2017 से स्टार्ट किया था, और आज तक हम इसको कंटिन्यू रखे हुए हैं। तो धन्यवाद आप सब की सपोर्ट के लिए, जय श्री कृष्ण। तो यहाँ पर नारायण भाई आप आए, यहाँ पर आपने देखा बच्चों के अंदर, बच्चों को जो महामृत्युंजय मंत्र और बहुत ज़्यादा मंत्र आते हैं, आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? भाई बहुत ही अच्छा लगा हमें, बच्चों को अमरचंद भाई बहुत ही धर्म की शिक्षा देते हैं। धन्यवाद अमरचंद भाई आपके, जो आप अपने जो बाराड़ी के विलेज के जो बच्चे हैं हिंदू गरीब हैं बेचारे, तो इनको आप धर्म की शिक्षा देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं घर पे, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया अमरचंद भाई ने, और आप दोस्तों से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि शिव कृपा गुरुकुल को आप सपोर्ट करें, बहुत ही सपोर्ट की ज़रूरत है अमरचंद भाई को, ताकि वो एक अकेला शख्स जो शिव कृपा गुरुकुल को साल दो साल से चला रहा है, और जो पुअर गरीब हिंदू भाई हैं उनको बच्चों को धर्म की शिक्षा दे रहा है। आप दोस्तों की बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि शिव कृपा गुरुकुल को सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।